नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीडीबी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहर के लोहरागंज मोहल्ले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस टीम एवं खाद्य विभाग ने छापामारी कार्रवाई के दौरान मौके पर उज्ज्वला योजना HP गैस सिलेंडर से भरे हुए दो ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि जांच कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों एवं गोडाउन मालिक के पास गैस सिलेंडर के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज मौके पर नहीं पाए गए हैं, जिसके तहत गैस सिलेंडर वाले दोनों ट्रकों को रिहायशी इलाके से जब्त कर पंचनामा कार्रवाई करते हुए कोतवाली में लाया गया है, जहाँ जिला खाद्य अधिकारी की उपस्थिति में जाँच कार्रवाई जारी है। ये दोनों ट्रक सिलेंडर भरकर नागपुर जा रहे थे। वहीं मोहल्ले वालों ने बताया कि ये गोडाउन उमरिया निवासी वीरेंद्र सिंह सेंगर का है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से गैस कालाबाजारी में हड़कंप मचा हुआ है। सर, ये रहायशी इलाका है, ये वीरेंद्र सिंह सेंगर का घर है, यहाँ गैस रखे है। ये गैस सिलेंडर गाड़ी तो नागपुर जा रहा था, गोडाउन से लोड होके इनको जाना था, जहाँ काफ़ी लंबा रास्ता था, ड्राइवर थके हुए थे। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक बार, आप लोगों को याद होगा, एक बार एजेंसी में बड़ी घटना हो गई थी, हमारे गार्ड को लोगों ने मार के फेंक दिया था। वो तो उसका सौभाग्य था कि वो बाद में अस्पताल जाके बच गया, आज तक पता नहीं चला कि वो घटना की किसने थी। वो घटना इस थाने में दर्ज है। तो हमने कहा कि एक काम करो, हमारा लोहारगंज में मकान है जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ चले जाओ, वहीं आराम से खाना पीना सोना। तो ये दो गाड़ी लेके वहाँ पे आराम कर रहे थे, और उसी बीच किसी ने शिकायत कर दी, मुखबरी की कि यहाँ पे दो गाड़ियाँ अवैध रूप से सिलेंडर लेके खड़ी हैं। तो पुलिस आई और पुलिस ने उन गाड़ियों को लाके थाने में खड़ा कर दिया। अब पुलिस की विवेचना जारी है, ये पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई है। हम भी अभी केसर के पास यही जानकारी लेने के लिए आए कि गैस के संबंध में जो आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, ये कहाँ की गई है, इसमें क्या है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको अभी पुलिस विभाग TI साहब बताया। उमरिया पुलिस को सूचना मिली थी कि उज्ज्वला के सिलेंडर भारी तादाद में एक जगह पर रखे हुए हैं, जहाँ पे खाद्य विभाग के साथ जाके दबिश दी गई और कार्रवाई की गई। संभावना ये है कि ये ट्रक में लोड करके यहाँ से नागपुर भेजे जा रहे हैं। इसमें पंचनामे जो कार्रवाई है वो सब हो चुकी है, और जो भी विधि के अनुसार होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।